हेलो गाइज, वेलकम बैक। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हमने पिछले वाले वीडियो में जितना हमने टोटल कुल मिला केमिकल बॉन्डिंग का समटाइम्स 70 लेक्चर हो चुका है। 70 लेक्चर में अभी टोटल हमने क्या क्या डिस्कस किया है, यदि हम बात करें 70 लेक्चर टोटल। सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी, कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लुइस स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और वेस्पर बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो पार्ट ये भी बड़ा है, इसमें हम आपको छोटे छोटे वीडियो कई बार कई पार्ट में करके पढ़ाएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हम आपको और ट्रिक बताएंगे। कभी आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट में हम आपको, पहले हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लास्ट में हम आपको वो ट्रिक बताएंगे। बस आप फार्मूला रखेंगे, फार्मूला रखने के बाद कोई सा भी कंपाउंड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन, बस एक मिनट नहीं, हम कहते हैं 20 सेकंड के अंदर आप हाइब्रिडाइजेशन, कोई सा भी कंपाउंड यदि आपको दे दिया जाए हाइब्रिडाइजेशन आप चुटकी बजा के निकालेंगे, आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम आपको स्टेप सिखाते हैं, लास्ट में जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशन हाइब्रिडाइजेशन का, और डिफिनीशन का और हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन हम आपको बताएंगे, और यहाँ पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एसपी टू डिस्कस करेंगे। एसपी हम आपको बताएंगे एग्जांपल जो भी BCl2 का, हम आपको पहले स्टेप बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, बस ट्रिक आप रखेंगे, फार्मूला रखेंगे, बस तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। चलिए दोनों स्टेप हम सीखते हैं, पहले स्टेप स्टेप, फिर इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या इसका डिफिनीशन होता है, सबसे पहले हम आपको हाइब्रिडाइजेशन बायोलॉजी में समझाते हैं, केमिस्ट्री में आप अपने आप समझ जाएंगे। बायोलॉजी में क्या हुआ, जैसे एक मेंडल जो साइंटिस्ट थे जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन पे उन्होंने अपना वर्क किया था, वो भी प्लांट क्या लिया था, मटर का पौधा। उन्होंने क्या लिया था, एक लॉन्ग पौधा लिया था, एक लॉन्ग प्लांट था, और एक क्या होता है, एक लॉन्ग प्लांट था, और एक क्या होता है, शॉर्ट प्लांट। एक क्या होता है, शॉर्ट प्लांट को हिंदी में क्या था, शॉर्ट को चाहे डार्क है, क्या था, डार्क प्लांट था। क्या था, शॉर्ट प्लांट, एक लॉन्ग था और एक डार्क था। दोनों प्लांट में उन्होंने क्या करवाया था, क्रॉसिंग करवाया था। जब उन्होंने क्रॉस करवाया था, क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने F1 जनरेशन में ये देखा कि जो भी पौधा मिल रहे हैं सारे पौधे क्या होते थे, लॉन्ग होते थे, सारे पौधे क्या होते थे, लॉन्ग होते थे। जैसे पेरेंट लॉन्ग होता था, पेरेंट प्लांट इस तरह शेप होते, इसके लॉन्ग प्लांट, सारे पौधे क्या मिलते थे उनको, लॉन्ग मिलते थे, सारे पौधे उनको कैसे मिलते थे, लॉन्ग मिलते थे। फिर उन्होंने क्या किया था, इसी F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाया था, F1 जनरेशन का उन्होंने क्या करवाया था, सेल्फिंग क्रॉस करवाया था, सेल्फिंग करवाया था। सेल्फिंग मतलब क्या होगा, इसी प्लांट का मेल पार्ट भी होगा, इसी प्लांट का मेल पार्ट होगा, और इसी प्लांट का क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। उन्होंने क्या करवाया था, सेल्फिंग मतलब क्या होगा, एक ही पौधे का मेल हो और एक ही पौधे का फीमेल हो, क्योंकि देखिए जो मटर होगा मेल और फीमेल एक ही पौधे में पाए जाते हैं। जैसे सेल्फिंग मतलब आप ये समझे, जैसे मान ली हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में टेस्टिस भी हो और ओवरी भी हो दोनों, और जब मन कहेगा दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, तो वैसे यहाँ पर भी काम होता है, इसी में क्या होगा मेल पार्ट भी होता है और इसी प्लांट में क्या होगा फीमेल पार्ट होगा। जब दोनों आपस में क्या करवा देते हैं, हम क्रॉस करवा देते थे, इसका मतलब ले जाके इसके साथ क्रॉस करवा देते थे। जब F2 जनरेशन में हमने ये देखा कि पौधे 3 लॉन्ग होते हैं और 3 शॉर्ट होते हैं, एक क्या होता है, ये भी हाइब्रिड प्रोसेस था। ये भी देखिए यहाँ पर, यदि हम F2 जनरेशन की ना बात करें, F2 जनरेशन की हम बात ही ना करें, चलिए हम स्टार्ट करते हैं F1 जनरेशन की, क्योंकि हमें केमिस्ट्री पढ़ना, बायो भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए F1 जनरेशन में सारे पौधे हमें लॉन्ग मिले, इसका मतलब ये दर्शा रहा है ये पौधे क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इस पौधे को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम बायो में बात करें तो प्लांट केस में होगा, यदि हम एनिमल में बात करें, एनिमल में क्या करते थे हम,
एक मतलब जैसे क्रॉस अगर करवाना है तो क्या करते थे, जैसे गाय के केस में यहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है, क्या करते थे, जैसे एक गाय अपना देसी गाय, जैसे एक गाय क्या होता है, एक गाय अपने यहाँ का हो जाता है, जैसे एक गाय अपने यहाँ का हो, एक गाय अपने यहाँ का हो, और एक गाय हम कहाँ ले आए थे, पंजाब या हरियाणा से, उस गाय का क्या नाम था, साहिवाल गाय, उसका क्या करते थे, दोनों का क्रॉस करवाते थे, ले जाके इसका स्पर्म इसमें इंटर कर देते थे, क्रॉस करवा देते थे, जो भी हमें बछड़ा मिलता था कैसा होता था, दोनों मम्मी, ये मम्मी और पापा दोनों से एकदम कलर उसका एकदम डिफरेंट होता था, और ये जो बच्चा बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड बच्चा या हाइब्रिड, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते थे, हाइब्रिड डाइजेशन। बस यहाँ पर हम केमिस्ट्री समझा रहे हैं, चलिए हम आपको केमिस्ट्री, सेम प्रोसेस यही है हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आपको ये बताएंगे जो बच्चा पैदा होगा क्या अपने मम्मी पापा से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आखिर जैसे पापा के पास जितना एनर्जी होगा, जो भी बच्चा आगे जाके बड़ा होगा उसके पास भी उतनी एनर्जी होगी, वैसे यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम आपको, चलिए केमिस्ट्री में समझाता हूँ हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसके बाद हम आपको इसी प्रोसेस पर डिफिनेशन बताते हैं, तो जैसे केमिस्ट्री में आपको और ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। जैसे मान लीजिए क्या होगा, एक चाय है, एक क्या है, टी है, और टी में क्या होता है, प्लस शुगर है इसमें, ये जो चाय बना है कैसे होता है, इसमें विद शुगर है, विद शुगर है, शुगर के साथ ये जो चाय है, कंप्लीट चाय बना एकदम रेडी है, ये चाय क्या है, शुगर है इसमें मिला है, और एक चाय है शुगर फ्री है, ये भी टी है लेकिन कैसे होते हैं, विदाउट शुगर, बिना चीनी, जैसे कोई दम मरीज हो जाता है शुगर का तो क्या होता है, उसमें चाय में उसकी चीनी नहीं होता है, मतलब इस चाय में मतलब क्या है, चीनी नहीं है, ये टी है लेकिन क्या है, विदाउट शुगर है, देखिए टी विदाउट शुगर, तो सोचिए इस चाय में चीनी मिला है और इस चाय में चीनी नहीं मिला है, इसको आप पियेंगे मीठा लगेगा और इसको आप पियेंगे मीठा नहीं लगेगा, तो क्या करते हैं, अब हमें इस चाय को दोनों चाय को आपस में क्या करना है, मिक्स कर देना है, जैसे इसको हमें मिक्स कर देते थे, मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमें जो चाय मिलेगा, यहाँ पर जो भी हमें चाय मिलेगा वो कैसा होगा, न ज्यादा मीठा होगा, ना एकदम ना के बराबर भी नहीं होगा, हम कह सकते हैं बीच का होगा, जो भी ये चाय हमें मिलेगा बीच का होगा, ना ज्यादा मतलब मीठा होगा और ना हम कह सकते कम ही मीठा है, तो ये कैसे चाय होगा, बीच का चाय होगा, बीचों बीच का होगा चाय, तो मतलब मीडियम का चाय होगा, ना ज्यादा मीठा होगा ना कम ही मीठा होगा, तो मतलब मीडियम मीठा होगा, तो इस चाय को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड चाय, और इसी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए मतलब जो बीच का जो चीज मिलता है, यहाँ पर हमने चाय लिया था विद शुगर, इसमें चाय लिया था विदाउट शुगर, दोनों चाय को आपस में हमने क्या किया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये भी एक कप चाय था, ये भी एक कप चाय, ये बताइए जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो हमें चाय मिलेगा, आखिर दो कप पहले लिए थे, बाद में भी दो कप होगा, इसका मतलब नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, अगर यहाँ पर हमने दो कप चाय लिया था और हमें दो कप चाय भी मिलेगा, सेम नंबर का मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा, और इसकी सोचिए अगर इस चाय में जो एनर्जी होगी वही चाय मतलब ये भी एनर्जी दे सकती है, उतना हम नहीं कर सकते हैं लेकिन एनर्जी भी एकदम थोड़ा मोड़ा देगा और सेफ होगा दोनों का, जैसे कलर इस जो चाय होगा था, इस चाय का जो कलर था वही चाय का ये भी कलर होगा, कलर भी कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमें चाय मिलेगा बीच का होगा, न ज्यादा मीठा होगा न ज्यादा मतलब कम होगा, तो इस जो बीच के जो चाय मिलेगा इसी चाय को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड चाय, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम केमिस्ट्री में सिखाते हैं, अब केमिस्ट्री चलिए हम इसी से स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि मतलब टू आर मोर, इंग्लिश में पहले हम आपको सुनाता हूँ फिर हिंदी में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम आर मिक्स गिव द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस फेनोमेना इज हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम आपको हिंदी में समझाते हैं हमने इंग्लिश में क्या कहा, हमने कहा कोई सा भी मान लिए एटम हो,
चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई सा भी मान लीजिए एटम हो, कोई सा भी अभी मान लेते हैं कोई सा भी एटम हो, उस एटम के जो दो ऑर्बिटल हैं कम से कम दो ऑर्बिटल होना चाहिए या दो से ज्यादा ऑर्बिटल होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें जैसे मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल हो गया और एक क्या होगा एक पी ऑर्बिटल हो गया, यही देखिए पी ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल को आपस में हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में अभी मिक्स करेंगे, यही हम कह रहा हूँ केमिस्ट्री देखिए बगल चल रहा है यहाँ पर, मतलब कि अगर टू आर मोर ए भी एक ऑर्बिटल है ए भी एक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, कहने मतलब दो ऑर्बिटल कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है कम नहीं हो सकता है, टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, फिर उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करते हैं आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल हमें मिलेगा, जो सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल हमें मिलेगा इसी प्रोसेस को हम इसी को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, और पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम आपको डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन के बाद जैसे यहाँ पर एस और पी, ए बी एस ऑर्बिटल था और ए बी पी ऑर्बिटल, दोनों को आपस में जब मिक्स करेंगे तो हमें कुछ इस तरह ऑर्बिटल हमें मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए ये क्या होगा टू मतलब लिखा है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एसपी ये क्या लिखा हाइब्रिड ऑर्बिटल यही मिलेगा। देखिए यहाँ पर दो था और यहाँ पर भी दो मिल रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चलिए हम आपको डिफिनीशन बताता हूँ इसके बाद तब आपको समझ में आएगा। डिफिनीशन हमने क्या बताया था टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, हम आपको स्क्रीन में डिफिनीशन लिख देते हैं, डिफिनीशन हम आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिखते हैं। क्या लिखा है देखिए हाइब्रिडाइजेशन से जो डिफिनीशन से जहां क्वेश्चन आएगा हम वहां पर अभी आपको हाईलाइट करवा रहा हूं। कहते हैं व्हेन व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम आर मिक्स टू गिव सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिव द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए और दिस फेनोमेना this phenomenon is hybridized, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या बताया था देखिए डिफिनेशन हम आपको बताता हूँ व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पर क्या हमने केमिस्ट्री चलित पढ़ते हैं एक ऑर्बिटल एक एस हो गया और एक ऑर्बिटल पी हो गया और एक ऑर्बिटल क्या हो गया डी हो गया। देखिए एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एक यही है एक ही एटम के एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम आर मिक्स करेंगे टू गिव सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस फेनोमेना इज हाइब्रिडाइजेशन, इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हिंदी में समझिए किसी एक एटम का दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल हो उसे हम क्या करेंगे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद
जो भी हमें मिलेगा सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, अगर जितने ऑर्बिटल हम मिक्स करेंगे, हमने क्या कहा था, जितने दो कप चाय लिए थे, दो कप चाय मिक्स करने के बाद, दो भी हमें मिक्स करने के बाद जो भी हमें चाय था वो भी दो कप हमें चाय फिर मिल गया था। इसका मतलब हमने कहा था सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस फेनोमेना को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हिंदी में एक बार हम आपको और रिकॉल करवाते हैं, किसी एक एटम के दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, उनको आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो भी हमें ऑर्बिटल नया मिलेगा वो कैसा होगा, सेम नंबर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इसी में एक पॉइंट हमने ये भी कहा था, जो भी प्लांट मटर लिए थे, जो भी बच्चा मिला था, जो भी पौधा मिला था F1 जनरेशन में, क्या वो मतलब पापा मम्मी से मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा। भाई आम मटर के पौधा इंग्लिश इंग्लिश पेड़ थोड़ी लग जाएगा यहाँ पर, आप सोचिए यहाँ पर क्या पॉइंट हम आपको दिखा रहा हूँ, अभी ध्यान से आप सोचिए। मटर यही है मेल जो लॉन्ग प्लांट था मटर का, और यही क्या होता डार्क प्लांट था, जब आपस में जब उनको लॉन्ग प्लांट और डार्क प्लांट दोनों आपस, डार्क प्लांट मतलब शॉर्ट पौधा होता है, एक लॉन्ग पौधा होता है और शॉर्ट पौधा, शॉर्ट पौधा को डार्क कहते हैं। जब आपस में क्रॉस करवाने के बाद जो भी हमें यहाँ पर पौधा मिला था वो भी कैसा था, आखिर देखिए ध्यान से, F1 जनरेशन में जो भी हमें पौधा मिला सभी लॉन्ग मिले थे। कहने का हमारा मतलब ये था F1 जनरेशन जो पौधा हमें मिल रहा है, क्या वो पापा से मम्मी से कुछ ना कुछ आइडेंटिकल होगा, नहीं होगा। आगे चल के ये भी पौधा, जैसे पापा के पास जितनी एनर्जी होगी उस पौधे में उतनी एनर्जी आएगी, जैसा सेब पापक होगा, दो पत्ती होते हैं, जैसे पत्ती जड़ इनकी होती है वैसे पत्ती जड़ इनका भी होता है, सेब भी होगा, ओरिएंटेशन मतलब बनावट भी वैसे होगा, अगर इसमें हर्ब सर्व पाई जाएगी ये भी हर्ब सर्व होगा तो ओरिएंटेशन भी सेम होगा। हम कहते हैं मतलब जो बेटवा होगा वो पापा से मिलेगा, तो वही कह रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल ऑल द केसेस लाइक ऑल द रिस्पेक्ट लाइक शेप एनर्जी ओरिएंटेशन। कहने मतलब हम आपको ये पॉइंट लिखवाना चाहते हैं कि जो बेटा होगा वो अपने बाप से मिलने कुछ ना कुछ सकल सूरत में मिलेगा जब बड़ा होगा तब। कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या लिखा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो क्या होगा वो आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मीन्स क्या होगा, समान होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इन ऑल रिस्पेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक किसमें, शेप। हम आपको जैसे मोबाइल फोन आता था ISO का, उसे हम क्या कहते हैं, आईफोन कहते हैं, आई के स्थान पे हम क्या ले लेंगे, ESO ई मीन्स क्या होगा, एनर्जी, एस मीन्स क्या होगा, शेप, ओ मीन्स क्या होगा, ओरिएंटेशन। तो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे मोबाइल आता नहीं था आईफोन को, उसे हम ISO शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आई के स्थान पे ESO कर देंगे, मान लीजिए भी चाइना का नया मोबाइल आया होगा, तो हम ही कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल, हाइब्रिड ऑर्बिटल वो भी समान होंगे, इन ऑल रिस्पेक्ट लाइक एनर्जी शेप ओरिएंटेशन। जो भी हमें पौधा मिलेगा F1 जनरेशन पे, जैसे बाप उसका है, जिसके पास एनर्जी बाप पास होगा, पौधा आगे चल के बड़ा होगा बाप बेटवा के पास भी उतनी एनर्जी आएगी, और सेब जैसा पापा दिखेंगे वैसा पौधा F1 जनरेशन भी वैसे दिखेगा। क्या आप सोचते हैं कि अगर यहाँ पर मटर का क्रॉस करवा रहे हैं तो नीम का पेड़ थोड़ी पैदा हो जाएगा, यहाँ पर मटर का भी मटर ही पैदा होगा, इसका मतलब सेब भी सेम होगा और ओरिएंटेशन बनावट जैसे बाप वैसे बेटा, तो क्या होगा, एनर्जी सेप और ओरिएंटेशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अब हम बताते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल हम मान लीजिए कह रहे हैं बार बार, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, चलिए हम आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड, हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड कैसे, देखिए ये क्या होगा, स्मॉलर लोग, ये देखिए छोटा है, तो जो छोटा है उसे हम कहेंगे स्मॉल लोग कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्मॉल लोग, और देखिए जो ये बड़ा है, ये जो पूरा यहां से लेके इतना तक पूरा देखिए जो बड़ा है पूरा ऐसे, उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज लोब कहते हैं, लार्ज लोब। आप ध्यान से सोचिए, स्मॉल लोब तो मैं कह रहा हूं, अगर स्मॉल में हम इसको, अगर हम लार्ज है और इसे स्मॉल है, अब इसे हम किसे हेड कहेंगे किसे टेल कहेंगे, सबसे पहले आप सोचिए, जब हम छोटे थे मान लीजिए अभी एक साल के नहीं हुए थे, 8 महीने थे, तो हमारा इतना सर भारी था कि मतलब ऐसे ऐसे मूड़ी तुरंत लचक जा रहा था, ऐसे ऐसे, तो मतलब हम मूड़ी उठ ही नहीं रहा था, तो पैर जहां तहां वैसे पड़े, इसका मतलब उसमें मुंडी बहुत ज्यादा भारी था, इसका मतलब जो मूड़ी मुंडी जो भारी था, भारी भरकम था, इसका मतलब जो लार्ज लोब होगा क्या होगा, वही हेड कहेंगे, लार्ज लोब को हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे, और जो मरगिल्लस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पैर जो हमारा था मरगिल्ला था, स्मॉल लोब था, स्मॉल लोब मतलब क्या होता है, उसे हम टेल कहेंगे, क्लियर। ये तो हमारा हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन हमने अभी तक हमने डिफिनेशन सीखा, अब चलिए हम आपको बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 कंडीशन होते हैं, जब तीनों कंडीशन फॉलो होगा तभी हम हाइब्रिडाइजेशन किसी ऑर्बिटल का किसी एटम का हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए कंडीशन बताता हूँ, कंडीशन बताने के बाद हम आपको बताएंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एग्जाम्पल हम आपको उसमें बताएंगे BCl2, और BCl2 में कैसे सिग्मा कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे, पहले स्टेप बताएंगे, स्टेप बताने के बाद हमने आपसे आर्गुमेंट कह रखा है कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, विदाउट पेन से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, चलिए वही सीखेंगे लास्ट पॉइंट में। अब हम आपको बताते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, 3 कंडीशन है, अब हम बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए 3 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन किसे कहते हैं, देखिए जो फर्स्ट कंडीशन होगा, कहने का मतलब ये होगा, हम मिक्सिंग तभी करेंगे जब ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे सेम एनर्जी के हो सकते हैं या नियरली सेम हो, जैसे मान लीजिए ये एस ऑर्बिटल है और ये क्या है वह पी ऑर्बिटल है, और ये क्या है डी ऑर्बिटल है, ये क्या है डी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, पी में 3 डिब्बे होंगे और डी में 5 डिब्बा होगा, बस इतना जान लीजिए, और एस में कितने डिब्बे होंगे, 1 डिब्बा होंगे, तभी आपको लर्न होगा, एस में 1 डिब्बा, पी में 3 डिब्बा और डी में 5 डिब्बा, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, तो जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, हम ये कह सकते हैं जो तीनों ऑर्बिटल है, क्या तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, नहीं, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कुछ न कुछ तो सेम तो होगा ही होगा, जो तीनों ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी कुछ न कुछ मतलब सेम होगा, मतलब नियरली सेम हम कह सकते हैं, इन्हीं ऑर्बिटल को हम आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले हमने क्या कहा था, पहला पॉइंट हमारा क्या है, तभी हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन होगा, 3 कंडीशन फॉलो होगा, फर्स्ट कंडीशन हमने क्या कहा, ऑर्बिटल ऑफ एन एटम हैविंग द सेम एनर्जी आर नियरली सेम एनर्जी आर मिक्स, पहला पॉइंट हमने क्या बताया, ऑर्बिटल ऑफ एटम, एटम का जो ऑर्बिटल होगा, ये सब क्या है ऑर्बिटल है, spd, ऑर्बिटल ऑफ एटम हैविंग क्या रखेंगे, हैविंग माने रखना, हैविंग सेम तो एनर्जी नहीं होगा, हम तो कह रहा हूं, लेकिन नियरली सेम तो हो सकता है, हैविंग सेम एनर्जी अथवा नियरली सेम एनर्जी आर मिक्स, उन्हीं को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
कहने का मतलब ये कि जो एटम के जो ऑर्बिटल होंगे उनके पास क्या होना चाहिए, सेम एनर्जी हो या नियरली सेम एनर्जी। इन सबके क्या होता है, नियरली में सेम एनर्जी मान लिया जाता है, नियरली सेम एनर्जी। इन्हीं को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे आपस में सभी ऑर्बिटल को। जैसे है ना, होता आपस में कढ़ाई लीजिए, सब ऑर्बिटल को जाके मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद देखिए क्या बनेगा पकौड़ा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट हम आपको ये बताएंगे, कंडीशन नंबर टू। दूसरा कंडीशन ये बता रहा है कि यहां पर देखिए एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। तो ये भी हो सकता है कि जब हम मिक्सिंग करवा रहे होंगे तो यहां पर क्या होगा, दो ऑर्बिटल हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या इसे दो इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। ये सब क्या है, खाली। वैकेंट मतलब खाली। देखिए एस ऑर्बिटल क्या है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड दिखा रहा हूं इसमें इलेक्ट्रॉन को, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। ये भी हो सकता है जब हम मिक्सिंग करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, ये सब क्या होते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे क्या लिख रहे हैं, इन मिक्सिंग क्या होगा, इन मिक्सिंग जब हम मिक्सिंग करते हैं, इन मिक्सिंग पेयर्ड अनपेयर्ड या वैकेंट ऑर्बिटल कैन बी यूज, पेयर्ड पेयर्ड अनपेयर्ड। यहां पर देखिए पेयर्ड है, यहां पर क्या है अनपेयर्ड है, पेयर्ड अनपेयर्ड ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल कैन बी यूज। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी यूज। तो देखिए हम कह सकते हैं इन मिक्सिंग, जब हम मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि यस पी डी इसी तीनों ऑर्बिटल को हम आपस में मिक्स करेंगे। तो मिक्स जैसे थोड़ी देर की सोचिए, जब हम पकौड़ी अपने घर में बनाते हैं तो तेल लेंगे और पता नहीं क्या क्या मैदा वैदा जो भी लगता होगा, मिर्चा उर्चा चनक बेसन वेसन, उसको आपस में बना करके जैसे कढ़ाई में डालते हैं, तलते हैं, और तलने के बाद देखिए कच्चा जब था उसका कुछ शेप अलग था, और जैसे पकने के बाद खाने लायक जब होता है उसका शेप कुछ अलग होता है। इसका मतलब एकदम हटके होता है, ये भी एस पी डी। जब तीनों ऑर्बिटल को आपस में या दो ऑर्बिटल को हम आपस में मिक्स करेंगे तो जो भी एकदम हमें मिलेगा एकदम डिफरेंट मिलेगा। अभी हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे चलिए बताता हूँ। इन मिक्सिंग जब हम मिक्सिंग करते हैं, पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो या वैकेंट, ये देखिए पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड, देखिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अनपेयर्ड, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। पेयर्ड मतलब क्या है, शादीशुदा, मर्द मेरा दोनों है, एक उल्टा एक नीचे, देखिए एक ऊपर भाग रहा है एक नीचे भाग रहा है, एक पॉजिटिव स्पिन माना जाता है एक निगेटिव स्पिन माना जाता है, कहने का मतलब इसलिए अपोजिट लगा दिया जाता है, प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू होता है एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए पेयर्ड है, यहाँ पर अनपेयर्ड है, यहाँ पर क्या है वैकेंट है। इसका मतलब इन मिक्सिंग जब हम मिक्सिंग करते हैं, पेयर्ड या अनपेयर्ड वैकेंट, यहाँ पर क्या होगा ऑर्बिटल हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जिंदगी में कोई अकेला होता है उसको कोई नहीं पूछता है, बस वैसे कंडीशन यहाँ पर भी लागू होगा। जैसे मान लीजिए तुम शादीशुदा नहीं हो, शादीशुदा नहीं हो, चलिए तुम 50 साल हो गए, तुम शादी नहीं अभी की हो, तो आगे चल के तुम्हें बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा, इसलिए शादी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने सोचिए या कोई आइडेंटिकल होगा, या तो मतलब सॉरी, या तो कोई मोनोवैलेंट एटम हो, जैसे कोई शादी नहीं हुआ है, मोनोवैलेंट मतलब शादी नहीं हुआ है, कोई सिंगल पर्सन है, ये मोनोवैलेंट है, ये भी शादी इसकी नहीं हुई है, ये मोनोवैलेंट है तो मतलब सिंगल है, जैसे कार्बन, ये क्या होगा कार्बन, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, ये अकेला है, ये क्या है मोनोवैलेंट है। या तो कोई एलोन हो, जैसे एचएफ, ये भी एलोन है, ये भी एलोन है, ये मोनोवैलेंट है, ये भी हम कह सकते हैं इसमें दोनों पॉइंट लागू हो रहा है, ये मोनोवैलेंट भी है और एलोन भी है, ये भी देखिए मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है। अगर ये F2 लिखता है तो भले बाइवैलेंट होता है, ये H2 लिखता है तभी बाइवैलेंट होता है, लेकिन ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसलिए हम क्या करते हैं ये भी मोनोवैलेंट है, ये भी मोनोवैलेंट है। तो देखिए मोनोवैलेंट हो या कोई एलोन हो एटम हो,
मोनोवेलेंट हो या कोई एलोन एटम हो उसमें हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं होगा। क्या आप सोचेंगे सिंगल कोई कार्बन एटम है, कभी यहाँ पर कभी हाइब्रिडाइजेशन कभी आप पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं, कभी इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और HF इसका भी कभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, आपने निकाला नहीं होगा। ये भी हम कह सकते हैं कोई हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एलोन या मोनोवेलेंट एटम, हम कह सकते हैं एलोन हो कोई अथवा मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एलोन मतलब इसे अकेला, जैसे कार्बन एलोन एटम है यहां पर देखिए, अब मोनोवेलेंट जैसे HF हो गया, ए भी सिंगल है, ए भी सिंगल है, ऐसा नहीं दोनों साथ बांड बना रहा हूं, बांड की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए H2A ए बाइवेलेंट है, F2A ए बाइवेलेंट है, लेकिन अगर यहां पर सिर्फ F होगा तो मोनोवेलेंट होगा ना। यहां पर क्या होगा मोनोवेलेंट, ए भी मोनोवेलेंट है, ए भी मोनो, इन मोनोवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन इज एलोन एटम हो, देखिए यहां पर हम दिखा रहा हूं एलोन एटम हो या मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट एटम हो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, हम एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, जैसे कार्बन हो गया और एग्जाम्पल क्या हुआ HF हो गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कंडीशन क्या है, या तो कोई एलोन एटम हो या कोई मोनोवेलेंट एटम हो तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं होगा। क्लियर, जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं कार्बन हो गया और HF हो गया, चाहे इससे आप मोनोवेलेंट को चाहे एलोन को बात एक ही हुआ, चाहे मोनोवेलेंट को चाहे एलोन को, ए भी एलोन है, ए भी एलोन है, भले बांड बना, बांड की हम नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर H2 होगा तभी बाइवेलेंट होगा, अगर जब H2 होगा तभी बाइवेलेंट होगा, जब H होगा इसे हम क्या कहेंगे मोनोवेलेंट कहेंगे। चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबर एक स्टार्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, SP हम स्टार्ट करेंगे, SP हाइब्रिडाइजेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। SP हाइब्रिडाइजेशन देखिए हमने आपको आर्गुमेंट किया है कि आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, आप विदाउट पेन से आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे विद ट्रिक के साथ विद इन सेकंड के अंदर। तो चलिए पहले हम स्टेप सिखाएंगे, स्टेप सिखाने के बाद हम आपको ट्रिक तरफ लेके जाएंगे, पहले स्टेप आप पढ़िए, स्टेप से आपको ये लगेगा कि हाँ आप सही कह रहे थे। अब डायरेक्ट मैं ट्रिक नहीं बता सकता ना, पहले हम आपको स्टेप बताएंगे फिर इसके बाद क्या होगा ट्रिक लेके जाएंगे। SP हाइब्रिडाइजेशन, अब यही हम स्टार्ट करेंगे SP हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। s मतलब क्या दर्शा रहा है, एक s होगा और एक p होगा। इसको बताने से पहले हम आपको पॉइंट बताना चाहते हैं, जैसे अगर एक कहीं दो लिखा है वर्ड, कहीं दो लिखा है इसका मतलब क्या होगा SP होगा, अगर कहीं 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तभी आप ट्रिक पढ़ पाएंगे। SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3 तो हम कह रहा हूं अगर कहीं 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि दो लिखे हैं इसका मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, यदि 3 लिखा हो कहीं SP2 होगा, 4 SP3, 5 SP3D, 6 SP3D3, 7 होगा SP3D2 और 7 होगा SP3D3 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको हाइब्रिडाइजेशन SP स्टार्ट करते हैं। SP स्टार्ट करने से पहले हम आपको पॉइंट बता ही दिया हूं, अब स्टार्ट करते हैं SP। SP मतलब क्या होगा, हमने जब बैलेंस बांड थ्योरी में हमने आपको वीडियो नंबर पार्ट नंबर सेकंड पढ़ाया था तो हमने क्या किया था, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का शेप हमने पढ़ाया था कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, हमने उस वीडियो में पढ़ाया था बैलेंस बांड थ्योरी के सेकंड पार्ट में, आप जाएंगे पढ़ेंगे वहां पर। और हम आपको ये भी चलिए एस ऑर्बिटल का शेप देखते हैं पहले कैसा होगा,
इस ऑर्बिटल जो शेप होगा गोल अंडर तरह होता है, हमने बताया था आपको, जैसे एक अंडा स्पेरिकल शेप होता है, ये भी एस ऑर्बिटल है। और जो पी ऑर्बिटल किस तरह होगा, देखिए पी ऑर्बिटल किस इस तरह होगा, ये पी ऑर्बिटल है, ये क्या है पी ऑर्बिटल है, ये क्या है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में स्पेशली क्या है पी एक्स है, एक एस है और एक पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में स्पेशली हम क्या ले रहे हैं पी एक्स ले रहे हैं, जब आपस में मिक्स होगा, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में यही बताया था, दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा आपस में मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमें सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल मिलेगा, यहाँ पर देखिए वन टू है, दो है, इसका मतलब सेम नंबर मिलेगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दो लिखेंगे, दो लिखेंगे, अब क्या मिलेगा हमें न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो और हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हमने कैसे बताया था, इस तरह होता है, ये क्या लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर इस तरह शेप हम आपको बता रहे हैं इसका मतलब क्या बना है हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और अभी हमने बताया था दो का मतलब क्या होता है sp, अभी हमने बताया था आपको दो का मतलब, दो का अगर कहीं लिखा है इसका मतलब क्या लिखा है sp, sp लिखा है, और ये क्या लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। चलिए हम आपको बताते हैं, देखिए एक s ऑर्बिटल हमने आपको वीडियो में बताया था अंडे तरह होगा स्पेरिकल शेप होता है, और पीएक्स होगा आपस में जब मिक्स करेंगे, तो हमने कहा था मिक्स करने के बाद सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल मिलेगा, नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, वन टू दो ऑर्बिटल हमने लिया और एस और एक पी का, तो यहाँ पर हमें दो ही मिल रहा है, ये क्या लिखा है न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो शेप बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, नया बन रहा है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और कहीं हमने बताया था अभी दो और थ्री फोर का मतलब बताया था, दो अगर कहीं लिखा इसका मतलब टू लिखा, इसका मतलब sp हो गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू लिखा इसका मतलब क्या हो रहा है sp, ये क्या लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे BCl2 और BF2, BF2 अथवा एग्जांपल हम दूसरा बता सकते हैं BCl2, चाहे BCl2 की स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएं चाहे BF2, चलिए हम BF2 का स्ट्रक्चर बताते हैं, दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है और दोनों का सेम शेप होगा, लीनियर शेप होगा, दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा, 180 बॉन्ड एंगल होगा, हम आपको बताएंगे चलिए 180 बॉन्ड एंगल कैसे होगा। ये तो BF2 एग्जांपल हो गया, sp आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन कौन शो करेगा, तो BCl2 और BF2, अभी हम आपको पहले बता दिए तो हम आपको रटने के लिए देखिए किसी में हो रहा है, अभी इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो समझेंगे। और जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एग्जाम में हमें आ गया BCl2, BCl2 का आप हमें बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अभी हम आपको इसमें ट्रिक बताएंगे, ट्रिक कैसे होगा, आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, चलिए हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर BF2 या BCl2 का, उसका हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं शेप कैसा आ रहा है। जैसे हमने एग्जांपल क्या बताया था BCl2 या BF2, चले पढ़ते हैं दोनों एक ही है, BF2 क्या है BF2 BCl2, जैसे इसमें बेरिलियम के लिए हम देखें बेरिलियम के एटॉमिक नंबर कितना होगा फोर होगा, और फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होगा नाइन होगा, 1s2 2s2 और 2p0, और यहाँ पर क्या होगा 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz। हमने आपको वही बताया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही बॉन्ड बनाएंगे और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। थोड़ी देर के सोचिए, जैसे मान लीजिए अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो अभी हम सिंगल हैं तो इसका मतलब हम बॉन्ड बना सकते हैं, किसी लड़की से हम शादी कर सकते हैं, और मतलब ये क्या दो मतलब पेयर दिखा रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी इसकी शादी हो चुकी, जब जिसकी शादी हो जाएगी दोबारा शादी करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता क्योंकि इलीगल माना जाता है, आप अपने मन से कर दिए उसकी बात दूसरी है लेकिन इलीगल माना जाएगा, इसका मतलब शादी हो चुका है ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये भी शादी हो चुका है बॉन्ड नहीं बनाएगा, यही एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बेरिलियम के साथ। चलिए अभी हम सीखते हैं बेरिलियम साथ बॉन्ड कैसे बनेगा,
इसको हम थोड़ी देर के लिए अभी हटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर बेरिलियम है, यही क्या है, बैलेंस सेल है, और बैलेंस सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल 2s है, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो लिखा है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन होगा। और यहाँ पर p ऑर्बिटल में कितने डिब्बे होते हैं, 3 है, ये p है p ऑर्बिटल। यहाँ पर p ऑर्बिटल यहाँ पर देखेंगे जीरो, मतलब जीरो लिख देंगे आप, कुछ नहीं है। आपस में क्या करेंगे, हमने कंडीशन यही बताया था, जब मिक्सिंग तभी होगा, ये तो पेड हो सकते हैं, ये तो अनपेड, या तो वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पर देखिए पेड है और एक वैकेंट ऑर्बिटल, कंडीशन फॉलो हो रहा, आपस में मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने से पहले अभी ऐसे नहीं, क्योंकि ये अब इसमें हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग जब करेंगे, ये तो ग्राउंड स्टेट बता रहा है, ग्राउंड स्टेट बाद सबसे पहले आप एक्साइटेड स्टेट लेके आइए। क्या है एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवाइए। जब इलेक्ट्रॉन को आप जंप करवाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 2s में, और यहाँ पर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या करेंगे, हम मिक्सिंग करेंगे, क्योंकि इसको आप एक्साइटेड स्टेट में ले आइए, क्योंकि हमने यही कहा था, यही हमने कहा था। ये तो मतलब पूरी होल प्रोसेस की हो रही है, हमने ये कहा था कि बॉन्ड वही बनाएगा जो सिंगल होगा, सिंगल नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये डबल है, ऑलरेडी बॉन्ड है, इसको सिंगल पहले करिए, सिंगल हमने कर दिए, ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। अब ये भी बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, ये भी बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी कर रहा हम भी शादी करने के लिए तैयार हैं, ये भी कर रहा हम भी शादी करेंगे भैया। तो चलिए देखते हैं आपस में इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, इनको हम मिक्स करेंगे। जब मिक्स करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए एक एस है, देखिए एक एस का है, इसको हम इसको 2s से हटा देना है, आपको कंफ्यूजन होगा जी, समझने के लिए हटा दे रहा हूँ इसको अभी। ये भी देखिए एस है, इसको आप एस लिख दीजिए, और ये पी लिखा है, इसको आप पी लिख दीजिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आप काउंट कर लीजिए, एस का कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, पी का कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, यहाँ पर एस का भी एक दिखा रहा, पी का भी एक दिखा रहा है, एक को हम काउंट करते नहीं, हम जानते हैं एक लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, एस पी, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एस पी क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एट बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल हो रहा है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एट बेरिलियम। आप सोचिए बेरिलियम जो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, अब बेरिलियम हम देखते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट, बेरिलियम पास एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और इसके अलावा कोई आप देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है। हम यहाँ पर लोन पेयर आपको समझाना चाहते हैं, ऑक्सीजन पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, ऑक्सीजन पास जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ पर देखिए ऐसे हम दिखा दिए, 2 + 2 + 1 + 1, तो क्या होगा 6 हो गया। और ऑक्सीजन क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ए के हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया बॉन्ड में पार्टिसिपेट होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट होता है। तो जब देखो दो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो देखिए जिन्होंने बॉन्ड अभी नहीं बनाया है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। और दो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन बराबर एक लोन पेयर। देखिए आपको लोन पेयर निकालना आना चाहिए, कोई सी भी मान ली एटम है, ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 1 + 1 6 हो गया, और हमें पता ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बनाएगा, जब ये दो बॉन्ड बनाएगा तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, जिन्होंने बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बॉन्ड आपस में खेलेंगे, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा,
जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने अभी बांड नहीं बनाया, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसके पास बेरिलियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो ही है और दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए, ए भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है। स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल रहा है ऑर्बिटल से, ए भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है, ए भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। इसका मतलब इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जीरो होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, जीरो है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करते हैं, देखिए बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का हम क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और क्या करेंगे। और फ्लोरीन का हमने यही बताया था, फ्लोरीन का 2PZ1 यही हमने दिखाया था। फ्लोरीन के जो 2PZ1 है यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही क्या होगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट होगा। देखिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाएंगे। ये हम क्या दिखा रहा हूँ, पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में हमने स्पेशली देखिए पी ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ। आप यहाँ ध्यान से सोचिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग हो रहा, ओवरलैपिंग के दौरान देखिए ओवरलैपिंग हो गया ना, ये क्या है, फ्लोरीन है और ये भी क्या है, फ्लोरीन है और इसमें प्योर पी ऑर्बिटल है। फ्लोरीन में क्या होगा, एफ में क्या होगा, प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एफ है बना है और ये क्या बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्या होगा, पी ऑर्बिटल हम दर्शा रहे हैं, ये भी पी ऑर्बिटल दर्शा रहे हैं। पी ऑर्बिटल शेप डमरू शेप होता है, डम्बल शेप होता है। सोचिए एक पूरा हमें रेखम दिख रहा है, इसका मतलब हमें जो बी एफ टू का शेप कैसा होगा, कैसे में दिख रहा है, लीनियर शेप होगा। शेप कैसे होगा यदि हम देखें, लीनियर शेप होगा, हम आपको शेप बताना चाहते थे, लीनियर शेप होगा। ये तो क्लियर हो गया। और बॉन्ड एंगल यदि हम आपको बताएं तो जैसे मान लीजिए यही बेरिलियम लिखा है और यहाँ पर क्या होगा, देखिए ओवरलैपिंग दौरान बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एफ हो गया और एफ होगा क्योंकि ओवरलैपिंग के दौरान ए भी एफ था, ए भी एफ था, ओवरलैपिंग ए भी एफ है, ए भी एफ है। जब ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग के दौरान बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, हमने यही बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। जब इलेक्ट्रॉन का जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम का और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, जब ओवरलैपिंग होगा एक इलेक्ट्रॉन तब जाके बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग ऐसे होता है। यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी जब ओवरलैपिंग होगा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आप ध्यान से देखिए, कोई यदि ए और बी के बीच कितना एंगल होता है, सिग्मा इक्वल टू 180, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा। देखिए यहाँ पर यदि हम एंगल बात करें, कितना एंगल आएगा, 180। इसका मतलब ये दर्शा रहा शेप कैसा होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का शेप लीनियर होगा। और दूसरा पॉइंट, बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा, बॉन्ड एंगल 180। ये तो क्लियर हो गया। एक बार हम आपको अगेन रिकॉल करवाते हैं, ये बेरिलियम का हमने निकाल लिया पहले एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए हमने एक्साइटेड स्टेट में निकाला। तो मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमें एसपी मिला था बेरिलियम का, तो इसका मतलब बेरिलियम पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दो किसी के साथ बॉन्ड और बना सकता है। जैसे मान लीजिए बेरिलियम है, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है दो कोई इलेक्ट्रॉन आके इससे जुड़ सकता है। फ्लोरीन के पास क्या था, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, देखिए बेरिलियम पास क्या था, दो इलेक्ट्रॉन थे और फ्लोरीन पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, और फ्लोरीन पास भी एक इलेक्ट्रॉन। आप सोचिए फ्लोरीन पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, फ्लोरीन पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाएगा और बेरिलियम पास दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब बेरिलियम को कितनी आवश्यकता होगा, दो आवश्यकता होगा, दो फ्लोरीन का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम, दोनों मिलकर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए यही तो बना, यही तो दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए बी एफ टू हो रहा है, शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा। तो चलिए हम आपको बताए थे बिट्रिक के साथ बताएंगे और हमने ये भी बताया था कि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है।
चलिए हम आपको बताए थे बिना पेन के बिना कॉपी के कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे विदाउट पेन और कॉपी, फॉलो द ओनली ट्रिक। ये तो हमने एग्जाम में आ गया तो इतना हम करेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे ना, खास बातें हैं, तो इतना हम करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इतना करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए, शेप भी लर्न हो जाए, एंगल भी। हमने यही बताया था एस पी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो एग्जाम्पल जैसे बी सी एल टू है, बी सी एल टू या बी एफ टू, हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और बिना पेन और कॉपी निकाल ले। तो हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, देखिए फार्मूला आप कैसे बनाएंगे। सिग्मा इजकल टू, अरे हिंदी में हम हाइब्रिडाइजेशन को एच लिख दे रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इजकल टू, ये क्या लिखा हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन इजकल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आप यही फार्मूला फॉलो करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसा भी होगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन पूरी केमिस्ट्री में निकल जाएगा कैसा भी होगा। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, हमने एक वीडियो बना रखा है हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, आप जाके पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, और हमने वो भी बताया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आप पढ़ेंगे क्लास आईपीएससी पढ़ेंगे, ये प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वीडियो में, उसमें 36 वीडियो पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे आईपीएससी, जब भी आप पढ़ेंगे क्लास लेक्चर पहले पढ़ेंगे, दो तीन लेक्चर पढ़ाया हूँ तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पढ़ाया हूँ हमने। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम माइनस वन। चलिए हम आपको तभी सिग्मा बॉन्ड निकालना बता दे रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ बस, कोई साइकिल ना हो उसी लिए मैं बता रहा हूँ, साइकिल फाइकिल ना हो, कोई ओपन चेन हो बस। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालने हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम माइनस वन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने बताया था इस वीडियो में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का निकाल के बताए थे कैसे निकलेगा। चलिए इसी फार्मूले का हमें यूज करना है, तो हमने कहा था बिना पेन उठाए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि हमें दोनों पता हो गया तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एटम माइनस वन, जितना एटम टोटल हो उसमें से एक एटम आप घटा दीजिए। यहाँ पर देखिए जैसे हम आपको बताते हैं BCl2 का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो हमने क्या कहा था सिग्मा बॉन्ड पता हो और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो। सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम माइनस वन, तो यहाँ पर टोटल एटम काउंट करिए, यहाँ पर देखिए 2 एटम Cl हो गया और एक एटम B हो गया, टोटल कितने एटम है 3 है, 3 माइनस वन, टोटल 3 एटम है, कितना एटम आ गया टोटल 2 आ गए, टोटल देखिए 2 एटम यहाँ पर है Cl का और एक एटम B का है, टोटल कितने एटम हो गए 3 एटम हो गए, नंबर ऑफ एटम 3 थे और माइनस वन हमने कर दिया, कितना मिला हमें 2 सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड यदि हमें 2 पता है, यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं, कितना सिग्मा बॉन्ड पता हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस, और हमें पता है बी यही है बेरिलियम, इसमें हमें पता है यही हमारा सेंट्रल एटम है, इसमें आप सोचिए 2 सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कोई इसके पास नहीं है। हमने आपको बताया था इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना था 0 था, कितना आ गया 2 आ गया, 2 मतलब हमने क्या बताया था sp बताया था, आप बताइए बिना पेन के उठा सकते बिना पेन के निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको BCl2 बता दिए, चलिए BF2 बता रहा हूँ, BF2 देखिए हम पेन नहीं खुद उठाएंगे, तो BF2 मतलब क्या होगा, देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा बॉन्ड हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम माइनस वन, 2 एटम यहाँ पर है एक एटम यहाँ पर है, टोटल कितने एटम है 3 एटम है, 3 एटम में से हमें एक एटम घटा देना, कितने एटम हो गए 2 एटम हो गए, 3 एटम में से हमें एक घटा देना है तो 2 बचा, 2 मतलब क्या होगा 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड इसका मतलब लिखा है 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 मतलब लिखा है इसका मतलब sp हो गया, हमने आपको बताया 2 3 4 5 6 2 लिखा है और प्लस क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, बेरिलियम कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकालने सिखाया हूँ अभी आपको, स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले आप देखिए
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। जैसे बेरिलियम है, यहाँ पर सेकंड पीरियड एलिमेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास दो हो गया। सेकंड पीरियड एलिमेंट इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो हो गया। जब दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और दोनों बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहे हैं BF2, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, कोई इसमें मतलब जैसे बेरिलियम हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेरिलियम दो ही इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया। देखिए बेरिलियम को दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट होगा तभी ना ये आखिर F2 बनेगा। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यही देखिए F, तभी ना F बनेगा। इसका मतलब बेरिलियम के दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए, नॉन बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिख रहा है। जैसे ऑक्सीजन केस में हमने बताया था दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है जीरो है। इसका मतलब टू प्लस जीरो कितना होगा, टू होगा, टू मतलब क्या होगा, sp हो गया। बिना पेन से हम निकाल सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में sp2 बताएंगे, फिर हम आपको ट्रिक अगेन यही बताएंगे, फिर अगेन आपको फिर समझ